नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कई बार एक तरफा प्यार का हश्र बुरा होता है, अच्छा नहीं होता, और कई बार प्यार और तकरार जो है वो मोहब्बत की पुरानी रवायत है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कोई वैलेंटाइन डे विशेषांक आपके सामने परोस रहा हूं। नहीं साहब, बिहार की जो राजनीति की जो मौजूदा हकीकत है वही बता रहा हूँ। बिहार की सियासत प्यार और तकरार और अजब प्रेम की गजब कहानी के ईद गीद ही घूम रही है। चिराग पासवान का बीजेपी के प्रति एक तरफा प्यार हो या फिर बीजेपी जेडीयू का प्यार और तकरार हो, इन सब के बीच एक खबर आई है, इसीलिए प्यार और तकरार की हम बात कर रहे हैं। खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने अगर कहा है कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी तो वाकई गिर जाएगी क्या? उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बम फोड़ दिया है और उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बीच का टकराव आपको मालूम है, और उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी का पलटवार भी आपको मालूम है, जब उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान बने हैं इसलिए ज़्यादा प्याज खा रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा मानने वाले नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा को शायद यही टास्क दिया गया है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर कि बीजेपी को वक्त बेवक्त डोज देते रहना है। उपेंद्र कुशवाहा ने डोज दे दिया है। जेडीयू बीजेपी की दोस्ती कब टूटेगी, जेडीयू बीजेपी का साथ कब छोड़ेगी या बीजेपी जेडीयू का साथ कब छोड़ेगी, तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन एक मामला है जिसको लेकर इसके आसार नजर आ रहे हैं कि जेडीयू ने शायद बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। वो मामला है कृषि कानून, किसान आंदोलन। एक ट्वीट सामने आया है और उस ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी लिखा है उससे आने वाले दिनों की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जो ट्वीट करते हैं बहुत सधे अंदाज में बीजेपी को, प्रधानमंत्री को सुना जाते हैं या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को सुना जाते हैं। पिछला इस ट्वीट की चर्चा हम करेंगे, उससे पहले उनका एक पिछला ट्वीट आपको याद करा देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के तुरंत बाद ट्वीट किया था कि ममता बनर्जी को जीत की बधाई, उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ा है। कायदे से उपेंद्र कुशवाहा ममता बनर्जी को सिर्फ ट्वीट की जीत की बधाई दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये लिख दिया कि चक्रव्यूह को तोड़ा है। जाहिर है बहुत सधे अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ना चाहते थे, उन्होंने ये किया। इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा ने यही किया है। स्वामी सहजानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर उपेंद्र कुशवाहा का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि जो अन्न उपजाएगा अब वही कानून बनाएगा, यह भारतवर्ष उसी का है, अब शासन भी वही चलाएगा। किसानों के हक हुकूक की खातिर आजीवन संघर्ष करने वाले महान सन्यासी स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आप इस ट्वीट को चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, इस ट्वीट को ऐसे भी लिया जा सकता है कि सहजानंद सरस्वती ने जो कहा उसी को कोट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी जो पुण्यतिथि है उस पर उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन राजनीति में संयोग होते नहीं हैं, राजनीति में कुछ भी यूं ही होता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने ही कहा था कि कृषि बिल से और जिस तरह से नुकसान होना है, आने वाली कोई सरकार उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। किसान पंचायत लगा करता था रालोसपा का, और उपेंद्र कुशवाहा किसानों के साथ खड़े थे। जेडीयू में जब रालोसपा का विलय हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए, तब से उपेंद्र कुशवाहा इस मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे थे। लेकिन इस ट्वीट के बाद ये माना जाना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने किसानों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जेडीयू का रुख क्या रहने वाला है कृषि बिल को लेकर आने वाले दिनों में, किसान आंदोलन को लेकर आने वाले दिनों में, इसके संकेत भी इस ट्वीट से मिलते हैं। और किसान बिल को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते तल्ख हो सकते हैं, इसके संकेत भी इस ट्वीट से मिलते हैं। तो एक ट्वीट ने बिहार की राजनीति की तस्वीर को बयां किया है। आने वाले दिनों में बिहार की जो सियासी तस्वीर होने वाली है उस धुंधली तस्वीर को थोड़ा और साफ किया है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता, एक तो उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, दूसरे उपेंद्र कुशवाहा अभी सीएम नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक हैं। तो मानकर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बम फोड़ दिया है और इस बम के फूटने का धमाका
ज़्यादा तेज होगा। बिहार की सियासत की गर्माहट अभी बढ़ने वाली है, कम से कम किसान आंदोलन को लेकर, कृषि बिल को लेकर बिहार में भी उसका राजनीतिक असर देखा जाने वाला है। बीजेपी जेडीयू की दोस्ती पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कृषि बिल को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के साथ जेडीयू मजबूती से खड़ी है, ये पहले भी नहीं देखा जाता रहा है। केसी त्यागी जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो किसानों के समर्थन में बयान देते रहे हैं, कृषि बिल किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं, तो बहुत कुछ होना बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट से ये संकेत मिले हैं। तो तेजस्वी यादव के इस बयान को भी बहुत हल्के में मत लीजिए कि वो कह रहे हैं अगर कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। सरकार कब गिरेगी ये हम नहीं जानते, तेजस्वी यादव बेहतर जानते होंगे। अगर हम ये कह रहे हैं और इस बात के आसार नज़र आ रहे हैं, या फिर RJD ये दावा कर रही है कि खेला हो गया है, तो शायद खेला हो गया होगा और उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट उसी खेला का असर होगा। हम यह भी नहीं कह सकते खेल का ही असर है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के अपने मायने हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही।